देखिए, हमको तो पहले ही आशंका थी कि उत्तराखंड के साथ कदम दर कदम जिस ढंग से सौतेला व्यवहार दिल्ली में बैठी केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, तो स्मार्ट सिटी में भी निश्चित रूप से हमारा नाम कटेगा, क्योंकि पहले चरण की स्क्रूटनी में देहरादून 30 शहरों की सूची में आता है और जब दूसरे चरण में 20 की अंतिम सूची जारी की जाती है तो उसमें हम 97 पायदान पर चले जाते हैं। ये अपने आप में समझने के लिए साफ है कि हमारी सरकार की गलती थी या केंद्र सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया। चाय बागान तो एक रॉबर्ट वाड्रा के नियर डियर के जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री ने ये एक्सरसाइज करी। इस एक्सरसाइज का बीजेपी ने तब भी विरोध किया था और मैं समझता हूँ कि और अल्टरनेटिव सरकार को देखने चाहिए, चाहे ग्रीनरी को तो बढ़ाना चाहिए। और अभी तो GST ने उसमें स्वीकृति नहीं दी और इसलिए जो देहरादून का मास्टर प्लान दिया प्रदेश सरकार ने वो आखिरी नंबर पे आया। 97 पार्टिसिपेंट थे और आखिरी नंबर पे ये आया, तो प्रदेश सरकार की मुझे लग रहा है मंशा भी नहीं थी, उनकी योग्यता भी नहीं थी, केवल 32 नंबर मिले, आखिरी नंबर में आया। और भी बहुत जगह है, उन पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट सिटी लेकिन बनना जरूर चाहिए यदि देहरादून को जीवित रखना है तो। स्टेट कैपिटल रीजन की तरह इसे डेवलप करो, जैसे दिल्ली के चारों तरफ डेवलप किया गया है NCR के तर्ज पर, इसी तरीके से स्टेट कैपिटल रीजन की तरह रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, मसूरी, इन सब क्षेत्रों को लेते हुए, क्योंकि आगे आने वाले 50 सालों में दूरदर्शी अपना कदम रखिए। ये जो भूभाग है उत्तराखंड का, ये सबसे ज़्यादा एक अच्छा माना जाएगा। हम इसके लिए अभी एक श्वेत पत्र जारी करने जा रहे हैं और सरकार से ही नहीं, हम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि उत्तराखंड की जनता और पर्टिकुलरली इस क्षेत्र की जनता इसको स्टेट कैपिटल रीजन की तरह डेवलप करने के लिए। और मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि स्टेट कैपिटल रीजन की तरह अगर आपने डेवलप कर लिया तो पूरे देश में ये पहला राज्य होगा जो पहले से ही 50 वर्ष की प्लानिंग को लेकर के चल रहा है। मैं तो मेरा ये कहना है कि जो आदमी ये कहता है कि अभी चाय बागान नहीं है, ये केवल मुद्दा है, ये मात्र मुद्दा है, वो अंधे नहीं है। वहाँ चाय की खेती होती है, उसको उजड़ने दिया गया, स्मार्ट सिटी के लिए चाय बागान का चयन किया है और वो प्रपोजल वहाँ भेजा है और तमाम आम आदमी पार्टी सहित तमाम सामाजिक संगठनों ने और तमाम और राजनीतिक छोटे मोटे जो पार्टीज हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। इसका जरूर इफेक्ट पड़ा है क्योंकि हमने मेल भेजे हैं, हमने पर्यावरण मंत्री को मेल भेजा है, हमने प्रधानमंत्री को मेल भेजा है, हमने राष्ट्रपति को मेल भेजा है, हमने बार बार जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर के मेल भेजा, हमने चिपको आंदोलन चलाया, हमने इसकी प्रासंगिकता पे जोर दिया है और यही कारण है कि उनका ये सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अब देखो ना, अब वो उसमें बैकफुट पर आ गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम जो है शायद हमसे कोई गलती हुई है, हम रेट्रोफिटिंग वाला मॉडल देख लेंगे। मीनाक्षी सुंदरम का अभी बयान था किस दिन पहले।